खबर बुंदेलखंड से। किसान भोगीपाल और महेश कुमार बुनकर खाद के लाइन में लगे थे। कई दिनों तक लाइन में लगे रहने के बावजूद उन्हें खाद नहीं मिली। लाइन में लगे लगे उनकी हालत खराब हो गई और उनकी मृत्यु हो गई। किसान सोनी अहिरवार और बबलू पाल खाद न मिलने के चलते परेशान थे, जिसके कारण उन्होंने आत्महत्या करके अपनी जान दे दी। सभी किसानों पर भारी भरकम कर्ज है और फसल बर्बादी व मुआवजा न मिलने जैसी समस्याओं से वे परेशान थे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सभी पीड़ित किसान परिवारों से मिलकर उनकी पीड़ा साझा की और सभी किसानों को परिवार का कर्ज चुकाने का वादा किया। और जब आपने बता रहे थे मुझे कि एक बोरा मिल रहा है 2000 के लिए, एक बोरा खरीदने की कोशिश की है, तो कालाबाजारी में साफ साफ। दूसरा, जब आपके बोरे से ही चोरी कर रहे हैं आप, भी बोरी से चोरी हो रही है, 50 की होती थी पहले, अब 45 की है, उसमें कम खाद भी दे रहे हो, खाद का दाम बढ़ा भी है, तो क्या करेंगे बताओ आप? उनकी इतनी समस्याएं हैं और सरकार सुन रही है। आप किसान सड़क पे आते हैं, महीनों से सड़क पे हैं, लेकिन कहीं भी इसकी सुनवाई नहीं। कुचला जा रहा है गाड़ी के नीचे। सामने चाहिए हमारा पशु शायद अन्ना प्रथा कहते हैं, मुझे नहीं पता। पूरी रात बैठे रहते थे, पूरी रात सामने चाहिए ना, कल में नहीं बारिश हो रही है, भगवान की पानी है। उसके बाद कम से कम आप खाद तो दिलवा देते हमें, सब कर्ज में है बेचारे, खाद नहीं मिल रही है। पानी आया खेत में, उन्होंने सोचा कि कम से कम कुछ उपज होगी।